आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर इस समय हम दतिया जिले के सेवड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर सेवड़ा क्षेत्र में आई बाढ़ त्रासदी को लेकर सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह लगातार प्रयासरत हैं। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने किला परिसर में वार्ड क्रमांक 1 एवं वार्ड क्रमांक 2 के 102 परिवार के लोगों को, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी है। तो सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको सेवड़ा किला की दिखा रहे हैं, जहां पर सेवड़ा किला में सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने वार्ड क्रमांक 1 एवं वार्ड क्रमांक 2 के लोगों को एकत्रित कर राहत सामग्री बांटी है। और राहत सामग्री में सभी प्रकार की राहत सामग्री बांटी गई है। तो जहां एक ओर सेवड़ा में सिंध नदी का पुल टूटने के बाद आसपास के गांव में तबाही का मंजर था, लोग भूखों मरने की कगार पर थे, और जिसके बाद सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने कमर कसकर संकल्पित होकर के सेवड़ा क्षेत्र के आसपास गांवों में राहत सामग्री वितरण करने के लिए उन्होंने अपनी टीम लगा दी है। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सेवड़ा किला के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों को एकत्रित कर उनको राहत सामग्री बांटी है। तो इस समय सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह का लगातार प्रयास इस समय सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, जहां पर वो सभी सहयोगी टीम के साथ लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण उपस्थित हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामू गुर्जर, पार्टी के वरिष्ठ नेता मुमताज खान सहित पार्टी के नेता उपस्थित हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह। आपकी जन अदालत नीच पर आइए, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से बहुत व्यक्ति प्रभावित हुए थे, गांव के गांव डूब गए थे, कई गाँव में मोहल्ले डूब गए, सेवड़ा शहर में कई मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हुए, मकान डूबे, मकान टूटे, कईयों में पानी दो दो तीन तीन फुट जाने के कारण घर गृहस्थी का पूरा सामान, गेहूँ भूसा नष्ट हुआ, बहुत बड़ी हानि हुई। मैंने संकल्प किया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को मेरी ओर से राहत सामग्री पहुँचाऊँ। अभी हमने सेवड़ा नगर में और एक गांव धुईयाई में लगभग 400 हितग्राहियों को राहत सामग्री पहुंचा दी है। रक्षाबंधन के बाद दो दिन में सेवड़ा तहसील के शेष बचे 3 ग्रामों ढिमरपुरा, जरा और मदनपुरा एवं रोहेरा, इनमें राहत सामग्री अगले 2-3 दिन में पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद इंद्रगढ़ तहसील में हम प्रारंभ करेंगे अपना अभियान और एक आध हफ्ते में इंद्रगढ़ तहसील में प्रभावित सारे गांवों सुलारी, पाली, अंडोरा, उछाड़, लांच, खेरोना घाट, कुलेत और रूफ, इन सभी गांवों में प्रत्येक हितग्राही को, प्रत्येक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। राहत सामग्री में 40 किलो गेहूं और फुटकर सारी चीज़ें पहनने के लिए वस्त्र, बाल्टी, तेल, साबुन, शक्कर, चाय, दालें और मिर्च मसाले, सब्जी, आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, जिससे कम से कम कुछ समय के लिए लोगों को राहत मिले और किसी तरह वो अपनी पीड़ा से उबर सकें। इसके अलावा प्रशासन के माध्यम से उनको राहत राशि उनके अकाउंट में पहुंचे, प्रशासन की स्कीम के अनुसार शासन ने जो घोषणा की है 50 देने की, वो सब उनके पास उनके लिए पहुंचे। इसका भी मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। ज़्यादा डूब में आए गांव के लोग और मोहल्ले के लोग अब वहां नहीं बसना चाहते, नए मकान अब ऊँची जगह पर बनाना चाहते हैं, वहाँ शासकीय ज़मीन उन्हें आवंटित की जाए। इसके लिए भी मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। कई बार मैंने चर्चाएँ की हैं, आज भी कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की थी, दिन रात में लगा हुआ हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम लगी है बाढ़ से प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक राहत दिलाने की। चैनल के नियमित सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए
और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।